गाइस ये देखो अभी जीरो होगी, अभी मैं बंद करूंगा ना, ये देखो वापस स्टार्ट होने लगी। भाई ये कोई सेंसर का इशू है यार, पता नहीं यहाँ पे अपने हो गए अनलग है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बाइक को हो रही है डायग्नोस, चेक कर रहे हैं। भाई तुम कावासाकी जाओ ठीक है ना, बट लिखत में ले लेना कि भाई तुम वारंटी दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। एबीएस का इशू है, एबीएस का इशू है, एबीएस मुझे प्यार। सो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस आज के मैं न्यू व्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। सो फिलहाल गाइस आज का व्लॉग हमारा फिर से पिट स्टॉप से स्टार्ट हो रहा है। चक्रवर्ती मेरे को ना ग्रीन सूट नहीं करता, रेड सूट करता तभी रेड लगाया, तभी मैंने उसको गोल्डन कलर का रैप भी करवाया है। गाइज मैं तुम्हें बताऊँ ना, मैंने टेपिंग तभी करवाई थी, ऐसे बाइक वो देखो वो भी प्यारी लग रही है, बट मैंने टेपिंग इसलिए कराई थी क्योंकि ना मेरे को ना मतलब ग्रीन चीजें ना ऐसे इफेक्ट नहीं करती है ना, ब्लैक हो ना कुछ भी। गाइज इस पे ना मेरे को ग्रैच चले हुए हैं, सुपरस्टिशियस होता है ना ये चीज, मानते हैं कि ऐसा कुछ भाई मानते हैं क्यों नहीं होता, होता है मतलब पूछना घर वालों से यार कि तेरे को कौन सा कलर सूट करता है। हाँ वो बोलते हैं गाइस के नजर वगैरह लगती है, जो रेड कलर पे नजर लगती है वो हमें वो बोलते हैं, मेरे में मानना है ऐसा कि रेड कलर में नजर लगती है, लेकिन अब इसने ये रखा मैं ठीक हूँ। तो गाइस वो देखो अपने भाई भी आ गए हैं, अबे क्या हाल है भाई, ठीक है, बोल कैसे चल रहे हैं आपके मैच? ठीक है, क्रिकेटर है भाई कौन से? इसको क्या हुआ आप? मैं हैमर थ्रो प्लेयर हूं यार। पता है हैमर थ्रो क्या होता है? मुझे पता था भैया, जाओ आप रहने दो, ये आपकी बेइज्जती करा देगा, रहने दो। हैमर थ्रो नहीं पता तेरे को? बताओ भैया करके दिखाओ, हैमर थ्रो जैवलिन थ्रो पता है ना, हैमर थ्रो भैया बताना। एक वो बॉल होती है, देख एक होती है बॉल की तो ऐसे रॉड लगी होती है जो ऐसे ऐसे करती है, घुमा के फिर ऐसे करके छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, वो जो ना वो बनती है उसकी क्या बोलते हैं हैमर थ्रो, उसको फोर्स देख मान के चल भैया, ये हैमर, ये हैमर पता किस फोर्स से, पहले बार किस फोर्स से, ये है हैमर ठीक है, और भैया मानेंगे भैया हैमर थ्रो से टांग से पकड़ के इसका फेंक के दिखाओ की होता है फोर्स कौन सी लगती है, गोल गोल बता होता भी कितने की मैं बता, वो साढ़े सात किलो का होता है भाई, साढ़े सात किलो ऐसे कौन है करके उठा के वो फेंकना। तो तुझे पता पावर कौन सी लगती है उसमें? कौन सी बता, तू बता पहले फिर मैं बताऊँ। भाई स्पीड की लगती है, तू जितनी तेज सर्कुलर में एक पावर होती है, बता कौन सी, फिजिक्स तो पढ़ी है ना तूने टेंथ में, तो बता कौन सी पावर लगती है भैया आपको पता है? मैं आप नहीं बता फोर्स, पता नहीं पता, जो ऐसे करने फोर्स लगती है भाई, कौन सी फोर्स, स्पीड फोर्स तो है फिजिक्स में, उसका एक प्रॉपर वर्ड है वो बता, प्रॉपर वर्ड क्यों, मोमेंटम होगा, मोमेंटम ना इसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सर्कुलर में रोटेट। गाइस ये मैं जो इसने वर्ड बोला ना ये सच में मैंने नहीं पढ़ा, जब तक मैंने कॉलेज भी कर लो, मैंने कॉलेज भी कर लिया ना, मेरे को अभी तक ये चीज नहीं पढ़ाई, मेरे को बस फोर स्पीड पर आया था कोई, जो की गाइस मैंने बता दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया ना हमने, क्या पढ़ाई शुरू आज से, पहले अपनी डिग्री ले ले पहले, और भी बैठो ना यार, बैठो बैठो साथ बैठो यार। अभी फिलहाल ना सुन, अभी फिलहाल गाइस मेरे को ना इसके मिरर अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है ना, वो मिरर और वो जो एमए के बारे में क्या कहना चाहोगे, वो मिरर और ये जो पल्सर के मिरर है ना गाइस बिल्कुल सेम लग रहे हैं, और वहाँ पे वो चक्कर वो लगी ना जीनो से मेरा आपकी, वो इतनी ज्यादा सेक्सी लग रही है उसकी यार, वैसे नॉर्मल लग रही है। बाइक को बाइक को अच्छा, तो जानू की बाइक तूने पल्सर आ रहा 200 बोला था, वो उसकी बाइक की वैसी थी, मैंने बोला सिमिलर आईज थी वैसी। हाँ तो ये भी तो बोल रहा हूँ मिरर भी तो सेम ही लग रहे हैं, अभी बाइक अच्छी लग रही है, सो बाइक के मिरर अच्छे लगते हैं ये वाले, वो दे ये वाली पीछे जो आपके जीनो से कैसी लग रही है, सही लग रही है ना, अब अभी मिरर, अभी मिरर, अभी मिरर उतारेंगे, चल अभी मिरर उतार, अभी इधर रख देने जाते हैं ले जाएंगे, जैसे किस में लेंगे, किस पे, मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे रखते मिरर कौन सा वापस तू लगाएगा, 7000 के मिरर यहाँ पे छोड़, किसने बोला 7000 के, मैंने फील से पूछा रेटिंग का भाई, अपनी कोई भी चीज होती है भाई, तूने एक बार उतार दी ना फिर नहीं लगाने, ये कोई फायदा नहीं होते भाई, लगाने तो है नहीं हमने, हाँ नहीं लगाने ना, तो उसको खोल दे भी रखे यहाँ पे। गाइस आज आज इसकी बाइक पे ना विली मारेंगे, ठीक है, आज विली ट्राई करेंगे, आज की बाइक में पहली विली होगी, फिजिक्स की पढ़ाई शुरू होगी आज से, चलो गाइस आज की फिजिक्स की पढ़ाई शुरू होगी, आज इसकी ना बाइक पे टेस्ट करेंगे की क्या फिजिक्स रहती है, क्या स्पीड में बिल्ली उठती है, ठीक है, मैं तुम्हें सारा दूंगा, सुषम नास वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 50K कंप्लीट करो, मेरी बाइक नहीं शो में गाइस। सो अभी फिलहाल गाइस यहाँ से निकलने वाले हैं, बट गाइस इधर ना एक सीन हो गया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, मैं ना एक्चुअली चल के आ रहा था यहाँ पे, और ना बाकी सारा चीज चल रहा है, ये देखो ये देखो ये क्या कर रहा है गाइस, देख रहे हो भाई ये क्या कर रहा है, भाई ये क्या कर रहा है, बाइक में ना कुछ मतलब प्रॉब्लम सी, ये चल क्या रहा है पता नहीं, मीटर ऑन, ये गाइस अपनी रीडिंग चली जा रही है, स्टार्ट करता हूँ, ओए आगे तो नहीं पकड़ लेगी ना, नहीं यार आगे गाइस ये देखो अभी जीरो होगी, अभी मैं बंद करूंगा ना, ये देखो वापस स्टार्ट होने लगी, भाई ये कोई सेंसर का इशू है यार। सो अभी फिलहाल गाइस पता नहीं क्या इशू है यार, अपने आप ही चले जा रहा है,
तो पता नहीं क्या हो गया यार इसको। अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या सीन है यार। अपने आप रीडिंग चली जा रही है गाइस, रुकी बाइक पे रीडिंग चल रही है, ये चेक कर रहे हो? अभी रुक गई यार, ये देखो रुकी बाइक पे रीडिंग चल रही है, बट कोई चक्कर नहीं अभी फिलहाल। कावासाकी वाले शोरूम में चलते हैं, कॉज उनकी है ना डीलरशिप। हाँ हमें गाइस वारंटी में मिल जाएगा पूरा सिस्टम। चलो अभी फिलहाल गाइस मैं वाइल्ड वुल्फ की बाइक चलाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आज तुम्हें पता है एक्सपेरिमेंट करना हमने इस पे विली मारेंगे, ठीक है? बाइक चलाएंगे लेकिन विली नहीं मारेंगे इसको। क्या क्यों? इस पे ना ये मुझे पता है क्लच ढीला रखा मेरे को, क्लच पे उड़। मैं क्लच पे विली नहीं मारता, क्लच पे विली मारता ही नहीं हूँ। मैं क्लच पे विली मारते वहाँ पे, मैं क्लच पे विली मारता ही नहीं हूँ। सेकंड गियर पे बस ऐसे करना है, रेस है कि अपने उड़ जाएगी। मेरे से प्रॉमिस बोल। सो गाइस यार भाई ने प्रॉमिस ले लिया, भाई बहुत कमीना है यार, बट गाइस मैं भी ये वादा रख रहा हूँ। तो गाइस रेन पे लगा दिया, और तुम्हें पता तुम्हारा भाई तो स्पीड में ही चलाता, तो हम तो गाइस राइडर मोड पे लगाएंगे। ओए तेरे में पेट्रोल नहीं है? पहले पेट्रोल पंप मैंने लाए, पैसे रिफिल करवा था पहले इस वाले पेट्रोल पंप पे, इस वाले X95 डालते हैं। चल ठीक है, पक वाली बाइक चलाने वाले हैं, और चेक करो भाई साहब, अभी चेक करो गाइस, अभी इसके पे पावर चेक करना यार। गाइस स्टॉक का ना फील ही लगा होता है यार, गाइज एक बार बोलो ना, स्टॉक का ना फील ही लग होता है यार। स्टॉक बाइक का है ना ये अलग ही सेगमेंट का, जिनका फील ही गाइज नेक्स्ट लेवल का होता है यार। बाकी यार इसको पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब प्रॉब्लम आ गई यार, कोई अपनी सो बाइक पे गाइज प्रॉब्लम क्यों आती है यार, पता नहीं क्या सी ना अपना मीटर गाइज कुछ ऐसे सेंसर शिफ्ट करने वाला। बट गाइज इसमें मेरे को कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाइक हमारे फ्रेश ली हुई है, तो इसमें गाइज हमें वारंटी मिली हुई है 2 साल की, तो वारंटी पे गाइज ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना? तो वारंटी पे चेंज कर लेंगे, ठीक है गाइज। मैं भी अपना ना लीवर मंगा दूंगा यार, दोनों लीवर। इसमें ना गाइज फिर ना फील ही लग होती है यार। ये देखो भाई, वो देखो भाई, अंकल डर गया था भाई। रुक रुक साइड रुक। सो गाइज अब इसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई है, पावर में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन, क्या हो रहा है फ्लक्चुएशन कर रही है, ऐसे रेस दे रहे हैं ना, हाँ पावर भी फ्लक्चुएट कर रही है। छोड़ा मेरे को दे, तू अपनी बाइक चला। सो गाइज ये इससे चल ही रही है, तो गाइज एक बार मैं चेक करता हूँ कि अच्छा हुआ क्या यार। चल चल ए, चल चल एक बार चल गाइज। ये देखो KTRC कुछ तो शो हो रहा है यहाँ पे यार, कि ना इसमें पावर पता नहीं क्यों शो हो रही है, चेक कर रहे हो गाइज? ये पता नहीं क्या सीन है। अभी फिलहाल ना मैं राइडर मोड पे ना इसको शिफ्ट ही कर देता हूँ, ठीक है ना? ये रीडिंग का पता नहीं क्या सीन हो गया यार। अब देखो राइडर पे ना बिल्कुल स्पीड में चल रही है यार, या पता नहीं क्या सीन हो गया यार इसका। अभी फिलहाल ना चेक करवा लेता हूँ एक बार कि यार कावासाकी जाके कि इसका सीन क्या है यार, ठीक है? ऐसी कुछ बाद में सीन भी ना हो जाए ना गाइस, फिर सीन हो जाता है यार पूरा। तो अभी तो फिलहाल शुक्र है कि वारंटी में हमारी बाइक तो ना गाइस, हम ना वारंटी में जो जो ख़राब हुआ होगा ना इसका जो भी सहना जो भी, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक मशीन होती है ना, इसमें सेंसर गाइस 2 मिनट में ख़राब हो जाते हैं यार। अभी देखो अभी खींच रही है ना पावर पूरी, अभी खींच रही है आराम से चल रही है, बट रेन मोड में नहीं चल रही थी, इसके मोड में हिसाब से ना कुछ सीन हो गया यार इसका। तो एक बार ना कावासाकी ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं भी है क्या सीन है, और अभी अभी बाइक लिया हमने तो ये क्या सीन आ रहा है इसमें, ठीक है? तो वारंटी का कुछ सीन है, तो वारंटी आप इसकी ठीक करवाओ भी, ठीक है? तो फिलहाल गाइस यहां पे चक्कर है, अपनी बाइक जा रही है अभी टेस्ट होने के लिए। भैया मोड सारी चेक करना है इसके, ठीक है? जाओ करो, ले जाओ अमानत आपकी, वारंटी में वापस मिलेगा हमें, ठीक है? ये आ गया, बड़ी देर लगाई तूने। तो अभी फिलहाल गाइस यहाँ पे अपने हो गया एंड लग गया, ठीक है? तो अभी फिलहाल यहाँ पे बाइक को हो रही है डायग्नोस, चेक कर रहे हैं। भैया आपको क्या लगा? ABS का इशू है। ABS का इशू है? ABS का कैसे इशू है? मैंने बोला कि ओए नहीं नहीं सुन, रफील पता क्या होता, रफील बोलता पानी वानी डाली, मैंने कहा नहीं बारिश से पड़ी थी ना उसके बाद से हो रहा थी, बोलता पानी गया, पानी कैसे जाता है बारिश में, सारी बाइक खराब हो गई, तो बाइक में तो पानी जाएगा फिर क्या हो गया भाई? अबे मतलब बारिश में पानी चल जाएगा? अरे जाएगा फिर भी ABS वाले रिंग में चले जाएगा, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? हां हो सकता है। अभी फिलहाल रफील बोल रहा है कि 1-2 तार के अंदर निकली हो, चेक कर लेते हैं यार ये जो मीटर है गाइस। अभी डायग्नोस हो रहा है, भैया डायग्नोस हो रहा है ना ये, तो निखिल भैया खुश खबरी देना, ठीक है? दुख खबरी नहीं देना, मैं बता रहा हूँ पहले ही, ये कावासाकी VCI का वो रिमोट होता है, इससे पता चल जाता है ना। हाँ चलो गाइज जो भी होता है देखते हैं क्या सीन रहते हैं, बाकी देखते हैं गाइज। अभी यहाँ पे ना ये चेक करो, यहाँ पे ना हल्का सा बैंड आया हुआ है ABS की रिंग, तो ABS की रिंग के अंदर है ना, तो ये कैसे आया आपको यार? हम तो इतनी जोर से, मैं तो पीछे वाली ब्रेक भी बड़ी कम मारता हूँ, आगे वाली ब्रेक ज्यादा होती है, आपको ही पता सो बाइक पे। भैया आज हम पूरे फुल मूड पे आए, ठीक है ना? हमारे पास सारी बातें हैं, कावासाकी वाले कुछ भी नहीं कर सकते हमारे साथ, ठीक है? नहीं आप बाइक भैया आप कुछ भी बोलो, हम आपको
रीजन देंगे, ठीक है। ये चेक करो, अभी देखते हैं क्या सीन रहता, बाकी अगर नहीं हुई ना ठीक भाई मैं इसका लैपटॉप ले जाऊंगा ठीक उठा के, इसका 1 लाख का लैपटॉप तो बिक ही जाएगा। हमें रिंग कौन सा, ये रिंग जो है ना अंदर हाँ, छोटी वाली, तो ये भी निकालू अगर फिर भी नहीं हुआ, फिर नहीं फिर चलेगा, मैं इधर 100% रिंग निकाल देना इसकी बाइक से, मेरी इसकी बाइक से रिंग निकाल लो, पीछे वाली ब्रेक तो बड़ी कम यूज करते हैं, आगे वाली ब्रेक की होती है, आगे वाली ब्रेक तो बिल्कुल ठीक है, देखा आगे वाली ब्रेक पे बैठा है क्या, नहीं क्यों होगा वो आगे भी एबीएस का है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा दूसरी तरफ होता है, अच्छा गाइस ये एबीएस होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है, बट पीछे वाली का पता नहीं क्या सीन हो गया, देखते हैं अभी फिलहाल क्या रहता है। अभी फिलहाल गाइस यहाँ पे ना कावासाकी का अपना चेक करवाया, बट कावासाकी वाले ना गारंटी नहीं दे रहे, ओए गारंटी दी इन्होंने, ठीक है अभी ना यही बात मैं गाइस आपको ना किसी और से भी पूछवाऊंगा, इस चीज की ना गारंटी मिलती है, ये पता क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना कुछ पत्थर वत्थर बजा हुआ है, जैसे कि ये चक्कर है काला काला जो हुआ है यहाँ पे, बोल रहे हैं कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिस वजह से ना ये घिसा हुआ और उसका ना सेंसर घिस गया है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज है और ये यहाँ पे ना इस पे क्या बोलते हैं वारंटी पे नहीं दे रहे, ठीक है नहीं, बट क्या बोल सकते हैं इस कंपनी वाले अब लड़ाई तो नहीं ना करेंगे, अभी फिलहाल पार्ट ये तुम्हें बताओ ना पार्ट महंगा तो नहीं है, भले हमारे लिए तो महंगा ही है, 12,000 का पूरा बोल रहे हैं खर्चा आएगा दोनों चीज का, एक रिंग का और साथ में ना सेंसर का, ठीक है तो गाइज अब मैं तो पागल नहीं हूँ, इसकी इंश्योरेंस पे भी मिल जाता है, अब बोल रहे हैं इंश्योरेंस लेगा इस 12,000 का इंश्योरेंस लेना वैलिड नहीं है मेरे लिए, ठीक है बट गाइज अब करते पति क्या किसी और से पूछते हैं, अगर गाइज कहीं पे सस्ता मिल जाता तो वहाँ पे हम जाके ना करवा लेते हैं, वरना गाइज क्या करेंगे इधर ही आके वापस करवाना पड़ेगा, पर चलो कोई चक्कर नहीं अभी देखते हैं क्या सीन रहता है यार, आज की राइड ना पूरा मतलब आज के ब्लॉग में पूरा मूड खराब हो गया यार, लेकिन एक बात तो बोली ना रोड वाले मोड पे तो बाइक आराम से चला कोई टेंशन नहीं, मतलब मेरे को बोला है कि मीटर नहीं चलेगा बाकी तुम्हारा आराम से चलेगा, क्योंकि सेंसर का प्रॉब्लम होता है कभी कभार ना पत्थर वत्थर बच जाता है, तो गाइस ये छोटी छोटी बातें होती है ना जो सेंसर का खराब होता है, यही सीन हुआ यार बाकी ज्यादा कुछ फॉल्ट नहीं हुआ, बट चलो कोई चक्कर नहीं गाइस अगर नहीं मिला तो सेंसर नया डलवा देंगे वरना और क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल गाइस यहां पे हो चुका है सीन तुम्हारे बाइक के साथ और ये चक्कर हो यार मीटर बिल्कुल शो नहीं हो रहा, देख रहे हो नहीं शो हो रहा यार, बाकी सारा मीटर चल रहा है वो नहीं शो हो रहा, अब सेंसर का इशू आया गाइस, ये ना इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक में ना यही एक पंगा है, सेंसर का इशू आता है यार, मैंने तेरा मीटर फ्लक्चुएट क्यों कर रहा था, बाद में वो सेंसर और वो जो रिंग थी वो मिले हुए थे आपस में, जब मिलते थे ना वो हाँ फ्लक्चुएट करता था, अब उन्होंने दूर दूर कर दिया उनको आपस में, हाँ अब ना फ्लक्चुएट नहीं करेगा मीटर, जीरो पे है तो जीरो पे ही रहेगा, जीरो पे ही रहेगा। चलो गाइस क्या बोल सकते हैं अब चलते हैं गाइस यहाँ से, ठीक है साउंड सुननी है आपको, बना लो यार, अच्छा क्या राइडर निखिल, सो गाइस राइडर निखिल नाम से चैनल है, भाई को जाके सब्सक्राइब कर दो ठीक है, चलो बना लो वीडियो यार, गाइस फ्लेम चेक कर रहे हो ठीक है, चलो ठीक है ओके यार मिलते हैं बाद में, ठीक है चलो गाइस अब चलते हैं यार, बट गाइस बुरा लगा यार सेंसर का हमें वारंटी नहीं मिली यार, बट क्या बोल सकते हैं यार कुछ बोल कर ना सकते हैं यार, बाकी हम कोई बात नहीं यार, मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा भाई ये ना तुम्हारी किस्मत ही खराब है गाइस और कुछ नहीं, तुम्हारी क्या बोलूं मेरी किस्मत खराब है यार, अपने सेकंड हैंड ली सेकंड गाइस ऐसे मिल गई, और ये तो यार मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये बोलते कि अपने आप कुछ पत्थर वत्थर बजा होगा, बोलते ये वाला पार्ट ना बड़ा मुश्किल से डैमेज होता है, बट ये पता नहीं आपका कैसे खराब हो गया, और ऊपर से सेंसर भाई इलेक्ट्रॉनिक का हमारे पे खोड़ना है यार, और बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पे वारंटी नहीं मिलेगी, भाई क्या बोलूं भाई जो भी कावासाकी से बाइक ले रहा है ठीक है, अब मैं क्या बोलूं यार मेरे खुद के दोस्त यार वहां पे हैं जिनकी ये कंपनी है, तो भाई तुम कावासाकी जाओ ठीक है ना, बट लिखत में ले लेना कि भाई तुम वारंटी दोगे या नहीं दोगे ठीक है, क्योंकि कभी कभार ना वारंटी नहीं भी देते हैं यार ये। सो अभी फिलहाल गाइस मैं घर पे आ गया हूँ एंड अभी फिलहाल ना गाइस जिम करके आज ना गाइस हमने ट्राइसेप की गेम मारी है, तो मसल गाइस मैं तुम्हें पहले एक बार चेक करा लेता हूँ, ये चेक करो गाइस ग्रोथ हुई है मसल में गाइस, कमेंट करके जरूर बताना, इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं बट हाँ हल्का हल्का दिख रहा है ठीक है ना, बट गाइस मैं तुम्हें बताऊँ ना बाइक का क्या सीन हुआ, गाइस मैं तुम्हें ना पूरा बताता हूँ ठीक है, गाइस बाइक में ये सीन हुआ है इसका ना सेंसर इशू होता है एबीएस वाला ठीक है ना, अभी तुमने रेन मोड पे देखा, जब मैंने रेन मोड पे बाइक डाली थी वो तब ना चल नहीं रही थी यार वहाँ पे, हल्का सा कर रही थी क्योंकि ना रेन मोड पे एबीएस ना मतलब ज़्यादा रहता है ताकि ना तुम्हारा टायर स्लिप नहीं करे, इसलिए ना वो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था, बट जब गाइस राइडिंग मोड पर डाला ना तो राइडर मोड पर ना एबीएस मतलब बड़ा कम होता है, तभी गाइस वो ना आराम से चल रहा था ठीक है उस टाइम पे, पर गाइस मैं तुम्हें साथ में एक और बात बताता हूँ, ये होता पता क्या है गाइस अगर ना मतलब तो हम चल रहे हैं ठीक है ना, मतलब अचानक से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज खराब हुई है और ना आराम से ये ना पता नहीं जली हुई टाइप लगी हुई थी वहाँ पे ठीक है ना, हल्का सा ना बेंट डला होता हल्का सा, जो कि गाइस उसका कोई लेना नहीं, आराम से ब्रेक के मेरी बज रही थी ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ना थोड़ा सा खराब हो गया, इनका सेंसर इशू पता नहीं क्या इन्होंने बोला है मेरे को
भी, बट बोल रहे सेंसर खराब हो गया। उस सेंसर की गाइस कॉस्ट में तुम्हें बताऊँ ना टोटल 12,000 के अराउंड राउंड है, तो वो बोल रहे हैं वो लगवाना पड़ेगा। अब गाइस ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, एक साल ही होगा इस मेरी पूरी बाइक को लिया है, ठीक है ना, तो मेरे को तो वो वारंटी में मिलनी चाहिए ना चीज़, बट ये वो चीज़ ना वो वारंटी में नहीं दे रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं कि क्या पता नहीं मिल सकती, बट अभी देखते हैं। अभी फिलहाल नफील भी आया अपने भाई, देखते हैं अगर गाइस करते हैं वो तो ठीक है, वरना गाइस कहीं बाहर से करवा देंगे काम, ठीक है, बट कोई नहीं गाइस ब्लॉग तो डेली आएंगे, ठीक है, तुम सपोर्ट करो, बाकी ऐसी मुश्किलें आती रहती हैं, ठीक है ना, क्या करें गाइस, भगवान अब परीक्षा ले रहा पता नहीं किस चीज़ की, बट तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी जल्दी गाइस 50K कंप्लीट करो तुम, ठीक है, एंड बस लाइक कर दो और क्या ही बोल सकते हो, प्यार से कमेंट कर दो गाइस, ठीक है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। गाइस आई होप तुम्हें आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा आया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो, अभी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट फ्रॉम यस गुड बाय सेफ राइड पीस आउट साइनिंग ऑफ सुक्षनास चाटा बाय बाय।